इस बात का पता किया जाए आखिर ये कौन है। जवान रोती हुई आ रही है। कहाँ रो रही है सरकार? पता करो कौन रो रहा है। अरे सरकार ये कोई रो नहीं रहा है, ये कल्लू की भैंस है कलिंजर वाले की। इधर कहाँ से आ गई? इधर ही तो आ गई है, नरेंद्र महाराज लेकर आए। ये नारी की आवाज है। प्रदूषण पहि गई बिल पाता धिक धिक तब पौरुष बल भ्राता। मजारी बहुत कल्लाती गुआर मुही का देख के कल्ला है कहे का। अरे दया बहुत चिनमिनाती माई खूबसूरत हो ना तो मुही का देख के चिनमिनाती। आई गुआर बहुत छछराती दया ज्यादा छरछरात हो तो मिर्चा ठांस ले। अरे भैया मर गई दया। अरे गुहार चुड़ैल, मैं तुझको चुड़ैल दिख रही हूँ। ये कौन है तो? कारी कारी धोती रू 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 रू। ये भैंस जैसे पांव का नाम है गोरी, बता दे अपना नाम। मैं बेटा मैं तो अपनी विपत में मार रही हूँ, तुझे मजाक सोचिया। हाँ भैया ध्यान दें, ये पुनः पुरस्कार आया है कोरारा से, हमारे राम से नहीं प्रजापति की तरफ से, हमारे हास्य कलाकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। ए तू कौन है? तुम कौन हो भैया के? मैं खसम भैया को। भैया को भैया को पहले बता तो तू कौन है? मैं भैया की बहन हूँ। कौन है भैया की? खरदूषण भैया की। सुपनखा बुआ हूँ। सुपनखा? हाँ सुपनखा। बहुत खूबसूरत ही ए बुआ, बहुत बढ़िया लागत के है, बहुत दिन के बाद मिली है बुआ। ये मुंह दिखा ना दिखाइयो, क्योंकि घूंघट हटा, क्योंकि घूंघट के आड़ से दिल मर का दीदार अधूरा रहता है जब तक ना मिले गूजी से गूजी। बहुत दुष्ट है तू, मुंह दिखाऊंगी नहीं, मुंह दिखाने की काबिल नहीं हूँ। अरे गुहार का करके आईया, तो मुंह दिखाने लायक नहीं है, कट गई है। अरे गुहार का कट गए, कुछ कुछ तो बची हुई, देख ले नहीं मानते था। अरे बुआ ये कहाँ खुदवाया कुआ, ये क्या हुआ? ए बुआ तू यही स्टैंड अप रहो, यही सोचा हो जा, मैं रिचार्ज होके जा रहा हूँ। लड़का ने आ काट लिया है। हैं? लड़का ने काट लिया है। लौंडा ने? लड़का ने आ काटो है, वो तो गलीमत है, जो ना के आ काटो है, मैं होते तो घींचे काट डरते हूँ। हैं? काहे मैंने क्या किया था? दिन भर छुछवा दिया तू और बोरा हो जा। हैं? कहूँ ये कहनो कहूँ पता रहा वाले महाराज खैया जो है चाउमीन खा दिया है, कम बस टाप माँ जो है जो समोसा रगड़ा दिया, दिन भर जो छुछुआ दिया, अब कट गए कट गए। अब मैं क्या करूँ, जैसे जैसे कर्म की नहीं तई तो भूगिए। जा भैया से बता दो। हाँ जा तो महाराज। घबर महाराज कौन थी रोने वाली? तुम्हारी बहन की। जरा क्या बोला? तुम्हारी बहन की। क्या? आज तुम्हारी बहन की क्या दुर्दशा हुई गे? हमारी बहन की दुर्दशा? दुर्दशा हाँ, किसने की है? मैंने। आज तो तुम्हारे सामने ना हो, किसने की है मुझको क्या पता किसने की? इसका तात्पर्य ये रोने वाली हमारी बहन सुपनखा महाराज भैया रोती हुई आई है। रोती हुई आई हो सकता है, बड़े दिनों के बाद आई है, भाई की याद में रोती होगी। आओ का जाओ हमारी बहन को दरबार में
आदर पूर्वक सम्मान से लेकर इज्जत के साथ जो आगे महाराज है कहते बहुत दिन के बाद बहन आई है सुहावती हाँ आई है राखी बांधे आई है चिंता ना करा मिठाई सिठाई लेके धल रखा और जलेबी अली भी भाट आ रहा अल्ले क्या देख रहे हो ले महाराज ने कहा महाराज ने कहा था कि बुआ का सामान सहे तो उठा ला ये बुआ तुम्हारा सामान किधर है ये बताओ कहीं मेरा सामान दिख रहा है मेरे पास सामान अमान नहीं है अल्ले महाराज तो कहा था कि बुआ को सामान अल्ले बिना सामान क्या कटा ला दिया था अरे सम्मान सहित का होगा अच्छा सम्मान सम्मान तोरे है सम्मान धरो है बांसा से पूछवाए घूमती है सम्मान आ चाहती है तो चलो मैं काय को चाहती हूँ भैया निकाल ले का करूं इसमें इज्जत धर दे आओ सरकार ने कहा था कि इज्जत सहित ले आ इज्जत इज्जत धरने वाली चीज होती है तो कहे मैं ले चलियो तो इज्जत अरे इज्जत के साथ का शब्द है अच्छा शब्द तो चलिया ले आदर में बैठ जा पूर्वक में धंसिया ना पिटी कहिया ले ले मैं बहुत चल मैं तोरा रुपए देख मैं तोरी ना के मैं ठसवा दई हूं वो अबे चलिया जुड़े जुड़े हां हां भैया बैठ सोप रखे ये हम क्या देख रहे हैं तेरे नाक और कान से रक्त की धारा बह रही है ये नाक कटा नकटी हो आई ये चेहरा लहू लुहान हुआ बतला मेरी बहना ये कैसे तेरा हाल हुआ ये बदकुमानी किसने की किसका जमाना फिर गया कौन से कमबख्त का खेमा कटा कर फिर गया कही पूछा सब कहे से बुझाई भैया जो तुमने मुझे ये वन प्रखंड विचरण करने के लिए दे रखा है आज घूमते घूमते पहली बार मैं पंचवटी में पहुंच गई हिचकी क्यों मारती है क्यों घबड़ सुनो है महाराज मेरी सब कट गई है कट के सुआए के सांस नहीं लेत बना दिया तो हुआ क्या तेरे साथ तू आ दो राजकुमार तपसी वेश में है उनके साथ एक नारी थी तो तुम जानते हो भैया यही वही लौंडा याद करा थे नारी को देख के और नारी मिलना चाहती है तो मिलने गई नारी इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ हल्की बात कही तो मैंने तुम्हारा नाम लिया तो उसने भला बुरा कहा पास और मेरे नाक कान का शांत हो जा उन तपस्वियों ने तुम्हारे साथ ऐसी जरूरत की है तो चलो घावर चलो बहन हमारे साथ चलो क्योंकि कट जाए नाक कान बहना के और जिंदा रहे जमाने में दो फट टूटा ये भुजा लालच है अस्त उठाने में चल बहना बतला उनका ठार अरे महाराज आगे चलो तू धान सुन से बनाई चलिए चलिए मैं अभी सुपन का आगे कर लेनी अशुभ रूप श्रुति ना साहिनी अशुभ रूप इसी के छोटे भैया ने काम किया है ये तो मेरा तीन थे एक है हम सब ढूंढ लेंगे तुम जाओ ऊंचे उधर से देखना क्या हल करते हैं राज सेवक एक साथ आक्रमण किया जाए ठहरो मारो पकड़ो पकड़ो मारो ठहरो भूलोक सरसक ही नटारी तकत भई रजनी चरधारी घबर सरकार क्या देख रहा तू कुछ नहीं परेशान हो चलो चलो जो मैं देख रहा था वो आपको समझ में आएगा मैं कह रहा तू क्या देख रहा मैं क्या देख रहा हूँ मैं क्या देख रहा हूँ मैं तो देख रहा हूँ कि एक है अकेले है मारो काटो निपट के भागो हमने क्या देखा हाँ क्या देखा हमने आज तक जिन जिन को जीता है जिन जिन को
हमने आज तक जीता है उनमें इतनी सुंदरता नहीं देखी। अच्छा ज्यादा सुंदर है यद्यपि यद्यपि वो भीतर है। कौन यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा लेकिन बदलायक नहीं पुरुष रूपा। बदलायक नहीं तो इसको जीजा बना ले कटी के साथ को भी आओ करी। अब तू एक काम कर तू जा इसके पास तपस्वी के पास कह देना कि जहाँ पर अपनी भार्या छिपा रखी हो वो हमारे हवाले कर दे। अपने धनुष बाण छोड़ के अपने धाम चले जाए वरना मारे जाएंगे। है सरकार एक बात बताओ। मैं दो पूछो नहीं एक ही पूछ रहा हूँ। ये पूछ रहा हूँ कि कौनों में आदमी से ये कहा कि अपन मेहरी मुंह दे दे तो हो ही न बगदा दई। अरे तुम्हें मैं कह रहा हूँ हम करें संदेशा लेकर जाओ दूत हो तो। अरे मैं तो दूत हूँ लेकिन वो भूत है। कैसे मान ले कि भूत अभी जब बालक सुंदर है तो देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा। ठीक है जा रहा हूँ लाओ। दूतन कहा राम सन जाई। बताओ मुझको उनके पास भेज रहे हैं और वो है कटर मशीन। बुआ के नाक कान काट लिया है अब मैं पहुंचू तो पता नहीं मोर का काट ले। अरे हाथ काट ले पांव काट ले घींच काट ले पता नहीं मोर का काट ले। पे जा रहा हूँ जूड़े जूड़े। चलो नाक बहुत जूड़ गए ये पकड़ा तो बहुत जुड़े जुड़े जा रहा हूं। तीन में नहीं होगा क्या? तीन में हो जाएगा। तीन में नहीं बाद में एक मंगाना पड़ेगा। नहीं काटा था ऊपर करो हेलो क्या है? है क्या है बोलो। जानते रहे हो मैं कौन हूँ? कौन है आप? आई एम CID DCP चित्रोले। दो लाया हूँ एक मोगली इंस्पेक्टर मोगली और दूसरा वो देखो वो ठाड़ है बगीचा। दो इंस्पेक्टर लाया हूँ साथ में। आपने जो काम किया है ना बहुत गड़बड़ किया है। ऐसा करो हमने क्या किया है? अरे जो काम किया ना। अच्छा एक बार बताओ क्या अभी समझ ले हो? अबे रुपया रुपये रुपये पैसा दे के जो है रफाता पकड़ ले हो नहीं तुम्हारा केस बिगाड़ डालूंगा। IMCID तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं 1,00,000 रुपए दे दो केस रफाता पा। 1,00,000 हमारे पास नहीं है। नहीं है समझ लेना मैं दफा 373 दफा 373 धारा 25 लगा के तुम्हें दो लोग हो ना दोनों को अंदर डाल दूंगा। 1,00,000 नहीं है कोई बात नहीं है। एक काम करो 50,000 दो। 50,000 भी नहीं है। 50,000 नहीं है। अरे तो 10,000 दे दियो। वो भी नहीं है। 10,000 नहीं है तो कम से कम 5,000 है। 5,000 नहीं है। अच्छे ठेका के फोकन के चक्कर में आ गए। 5,000 नहीं है। 1,000 है वो भी नहीं। हाँ भैया ध्यान दे आप हैं पारसी राजेश ड्राइवर। ध्यान दे राजेश ड्राइवर पारसी हैं। हमारी 21 रुपए हर्ष कलाकार के लिए जुड़े जुड़े धन्यवाद साधुवाद। बता ना बोला ना जुड़े जुड़े 5,000 नहीं 1,000 है। अरे हम संत भेष में हमारे पास रुपए कहाँ से आए? अरे तो संत में 1,000 नहीं 500 का है वो भी नहीं। 500 रुपए नहीं है। 100 का नोट है? अरे नहीं भैया 100 का नहीं है। 100 का नहीं है। अरे तो 50 है। 50 5 रुपए दे दिया तो कम से कम दूठे ये सन की मंगा ले। 1,00,000 से 5 रुपए में आ गए। का करा गिरे हुए इंसान। अरे गिरे नहीं है हम जब गिर जाते हैं फिर उठ जाते हैं।
हमारे पास नहीं है, तुम बताओ किस काम से आए हो। अच्छा अभी बता रहा हूँ, ये बताओ क्या यहाँ पर एक लकड़बग्घी आई थी। अभी लकड़बग्घी कौन है? ले लकड़बग्घी नहीं जानते हैं। अरे यहाँ पर एक लड़की आई थी। हाँ आई थी, आई थी ना। अब वो नहीं, नारायण बिट्टी नहीं, और दूसरी आई थी। कौन? एक दो को देखा है कि एक को देखा है? हमारे पास तो एक आई थी। एक आई थी लेकिन एक मेरे पास आई थी। तुमसे क्या कह रही है? अरे वो पता नहीं क्या नाम था उसका, सुशीला धोशीला पता नहीं क्या नाम था। क्या नाम था? ओ मोगली। तो तुमसे क्या कह रही? कौन कह रही थी? तुम्हारे पास आई थी, तुमसे क्या कह रही थी? वो कह रही थी, कह रही थी चलो मुझको त्रिवेणी नहला लाओ। तो गए फिर तुम? हाँ गया, दो तीन साल गया, लगातार गया, लेकिन जब से वो हमारे पास तो एक आई थी। एक आई थी? अच्छा अच्छा, क्या कह रही थी? वो तुम्हारी कौन है? वो हमारी बुआ है। सगी बुआ है तुम्हारी? सगी है, सगी नो है, मोहल्ला पड़ोस के यार, सगी थोड़ा है। हमारे पास आई थी, हमसे कह रही थी हमारे साथ में विवाह कर लो। तुम्हारे साथ में ब्याह करने का कहती? हाँ अच्छा, ब्याह करने का कहती, देख ले हर जाएगी। एक बोरा उजा उसके आगे पीछे मैं घूमता रहा और कहता रहा बुआ मोसे ब्याह कर ले, मोसे ब्याह कर ले, मोसे ब्याह कर ले, तो ना किया। और कह रही थी कि मैं तो नारी से मिलने गई थी, ये ना पता है, ये ना बोलना कुछ ऐसा। नहीं तो नहीं तो फिर समझदार हो तुम, क्या करते हैं? नाक कान काटा तो तुम्हारे नहीं काटेंगे। मैं छुपा लूंगा तो का काटियो गला। गला ले तो नाके ठीक है। तुम्हारी बुआ हमारे पास में आई थी, हमसे कह रही थी हमारे साथ में विवाह करो, और अगर विवाह नहीं किया तो इससे पहले और भी कुछ कहा था। और क्या कहा था? कह रहा मुझसे कह रही थी, हाँ कह रही थी विवाह करो। आओ। फिर लक्ष्मण के पास गई। आओ। वो उनके पास गई। हाँ फिर उससे भी कह रही थी मेरे साथ विवाह करो। और तुम उसे ब्याह करेंगे काटती, वो उसे ब्याह करेंगे काटती। अरे अभी और सुनो। हाँ कह रही थी अलग अलग नहीं करना, तो दोनों लोग साथ में करो। अरे खेना सुजा ध्यामा के बम्बोर की और आता की कुकुरिया का एक जने हो, दोनों जने के साथ ब्याह करेंगे कहती। अगर तुमने ठीक किया जो और कह रही थी। हाँ? और भी कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? कह रही थी अगर विवाह नहीं किया तो मैं तुम्हारी पत्नी को खा जाऊंगी। हैं कहती मुर्गी का अंडा खा जाऊंगी। तो फिर हमने वही किया, नाक कान काट डाले। ठीक किया आपने, नाक कान काट डाले। अगर मैं होता ना आपने तो आपने, अरे मैं वो का ब्यूटी पार्लर बिगाड़ डरते हूँ। मतलब आपने उसके नाक कान काटे, मैं वो का चिकन मुंडी कट डरते हूँ। अरे हम नारियों के साथ में ऐसा बर्ताव नहीं करते। हम नारी इनके साथ मां कर पाओ था ना, आदमी का तो कुछ नहीं उखार पाओ था। हमें बार बना डालता, और यहाँ पर जितने लड़के बैठे हैं सब लोग अपनी अपनी जेब में एक एक चाकू रखना, और जो लड़की तुमसे ब्याह करेगा कहे तो सचपट नाक कान काट डालना। हाँ सबको रखना। हाँ ऐसे मैं कम से कम सूप न का जैसे बुआ तो ना हुई है। हाँ लेकिन हमारे सरकार ने हमको भेजा है। सूप न का जैसी बुआ नहीं होंगी लेकिन हम जैसे भी तो होने चाहिए। हाँ ये भी तो होना चाहिए। तुम्हारे जैसे होंगे तो तुम तुरंत कह दोगे कि हाँ चलो हम विवाह कर रहे हैं। अरे मुंह से कौन कह दे, तो ये गांव में ये ढकल लियो, वो अगले गांव में पता रहा मैं दू ढकल लियो, अब ऐसे लाइन तार हमीरपुर तक का कम से कम 250-300 कर जा रहा हूँ। अब इनका भरण पोषण कर लोगे फिर? अरे भरण पोषण वहाँ पर ऐसी तैसी मजा, अब ब्याह करो बस। अरे आधी अपना काम बताओ, किस काम से आए? हमारे सरकार ने हमको भेजा है। क्यों भेजा है? क्यों भेजा है? क्यों भेज? अच्छा हमारे बुआ के नाक कान काट रहा है। हमारे सामने जोर से बात ना करना, धीरे से बोलना।
अभी हमको समझ ही नहीं पाए क्या कह रहे हो तुम, थोड़ा और जोर से बोलो। अरे इशारे से काहे बता रहे हो, और जोर से बोलो थोड़ा। अरे रुको, अब हम बिल्कुल समझ गए। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम भी हमारे हाथों के द्वारा नाक और कान कटवाना चाहे थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कैसा है? हम बता रहा हूँ, हमारे सरकार ने हमको भेजा है कि आपने उनकी बहन के नाक कान काटे, इसके बाद में अपनी भार्या को यहाँ पर छोड़ दे, धनुष बाण रख दे और यहाँ से रब चक्कर हो जाए, वरना जो धोखा समाचार समाज। अरे अपने सरकार से जाकर हमारा संदेश भी सुना देना, हम उन जैसे खिलौन मुर्गा को ढूंढ ढूंढ करके मारते हैं, युद्ध स्थल में हम काल से भी नहीं डरते, अगर कोई पीठ दिखाकर भाग जाए तो हम पीछे से वार नहीं करते। पीछे से वार नहीं करता? कभी नहीं। बहुत बढ़िया मड़ाई हो। पीछे से वार करना सीखा नहीं है का? हम कायर थोड़ी हैं जो पीछे से वार करें। ये बहुत बढ़िया है, पाछे से वार नहीं करा था। और हम ऐसे आदमी आ गए आगे पाछे दोनों जगह से वार करा था। ठीक है, खैर हमारे सरकार साथ में तुम भी तैयार रहना। मैं थोड़ा 14,000 में हूँ, तो मैं 14,000 एक हूँ। उनके साथ में नहीं हो तुम? ऐसे आई मर जे हैं देन के तेरा ही को करी। एक हमारे मुंह बचो रहा सुनो, पूरे युद्ध में अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपना चेहरा ना दिखा। मैं चेहरा चेहरा के लिए फिर तो मैं कोनो अंग ना दिखाई हो। हाँ ये चेहरा तो चेहरा रहो, अब मैं जा रहा हूँ, जुड़े जुड़े निकल जान दियो। आने तो लपट न चलने लगे जो अपराधी जाए, मैं जा रहा हूँ जुड़े जुड़े। है सरकार हमारे गदा है। धन क्या उत्तर मिला उधर से? हमारी बात स्वीकार है कि इनकार है? गदा मतलब धन मुर गदा। तू कहना क्या चाहता है? ओ बेटा मोगली है? अपनी बात पेश करो। सरकार उन्होंने आपको गदा कहा, इनको मुर्गा कहा, हमको टीटर बटेर कहा। उन्होंने कहा हम काल से नहीं डरते हैं, तुम्हारे सरकार के भुजाओं में दम हो तो युद्ध के लिए। इसमें तेरे हंसने की बात क्या है? वो हमारे शत्रु हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, हंसने की बात नहीं। पर क्या स्वीकार नहीं किया हमारी बात को? नहीं महाराज। तैयार है? तैयार है। सावधान, फेर लो, मारो, एक साथ पकड़ो। इन राक्षसों की बहुत बड़ी सेना है, अगर मैं इन सबको एक एक करके मारूंगा तो मेरा समय व्यतीत हो जाएगा, इसलिए मैं एक ऐसा बाण छोड़ रहा हूँ जिससे सभी राक्षस आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सावधान होई धाई, जानी सबले आरात, लागे परसन राम पही अस्त शस्त्र बहु भात। राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण, करी उपाय रिपु मारे छन मोहु कृपा निदान। खरदूषण के सहित 14,000 सेना। मैंने सबको बगदा दिया, आपस में लड़कर के मर गई, सबको मैंने बगदा दिया। तिवारी जी अब बोलत बोलत गला सूख गया है, चाय पिया दिया? चाय पिया दिया? नहीं मैं उमरत हूँ, जल्दी ना पिया तो मैं उमरत हूँ। मर गए, चलो भीतर।